का क्या कुछ हुआ है इजलास में? देखिए फिर इजलास में वजीर अला पंजाब, गवर्नर पंजाब और दीगर स्टेक होल्डर शरीक के, वफाकी वजीर इजलास फवाद चौधरी ने भी इस इजलास में शिरकत की। बड़ा फैसला किया गया है, वजीर आजम की तरफ से हिदायत की गई है कि पंजाब में जल्द बलदियाती इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, और जबकि बलदियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी और दीगर अमूर को हतमी शक्ल दी जाए। वजीर आजम ने बलदियाती बिल बारे में मुस्लिम लीग काफ के तहफात दूर करने की भी हिदायत की है। साथ साथ वजीर आजम की वजीर अला उस्मान बुजदार और मियां महमूद रशीद को मुस्लिम लीग काफ की क्यादत से फौरी मुलाकात का बुला है, और श्री परवेज इलाही से मिलकर हुकूमत पंजाब बलदियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी को अपनी शक्ल दे। वजीर आजम ने यह भी हिदायत की है कि हुक्मरान जमात की बलदियाती कानून साजी के हवाले से उनके साथ मशावरत भी की जाए, और इस हवाले से अहम फैसला ये हुआ है फौरी तौर पर कि तहरीके इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ के तहफात दूर करने के लिए मशावरत का फैसला किया है, और जो कमेटी है उसका कल इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये कमेटी मुस्लिम काफ के जो तहफात है उसको दूर करेगी और बलदियाती तहफात को दूर करेगी। बहुत शुक्रिया अब्बास, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। एक और अहम मामले का जिक्र, तालिबान के तमाम आला रहनुमा काबुल पहुंच गए। गैर मुल्की